T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर आई बड़ी अपडेट के पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए दो बड़े बदलाव देखने मिलेंगे, क्योंकि बात करें हाल ही में पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल भी आ चुका है। ऐसे में जैसा कि देखा जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो 2 जून से लेकर 29 जून के बीच यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान टीम का स्क्वाड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाला है ये दो दिग्गज के आ जाने के बाद। वो दो दिग्गज को ने बताएंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले बताते चले कि आप अगर क्रिकेट फैक्ट 2.7 पर नए हैं तो पाकिस्तान की कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए क्रिकेट फैक्ट 2.7 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें वो दो दिग्गज खिलाड़ी जिसमें सबसे पहला नाम आता है नसीम शाह का। नसीम शाह आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 में नज़र आने वाले, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले नसीम शाह PSL में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी अच्छा प्रदर्शन करते नज़र आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में। और दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो दूसरे खिलाड़ी के तौर पर नज़र आने वाले मोहम्मद आमिर। बात करें मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर अभी हाल ही में अबू धाबी लीग में शहनशाह अफरीदी के साथ एक ही टीम में खेलते हुए नजर आए थे। ऐसे में जैसा कि देखा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी का रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में दोनों के अच्छे रिलेशनशिप के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना चाहेंगे, और ऐसे में मोहम्मद आमिर का टीम में होना बहुत ज़रूरी होने वाला है शहनशाह अफरीदी के लिए। तो मोहम्मद आमिर के आ जाने से पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बेहतरीन होने वाले हैं। नंबर 1 नसीम शाह, नंबर 2 मोहम्मद आमिर और नंबर 3 के तौर पर शहनशाह अफरीदी। तो इतनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के बाद पाकिस्तान टीम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप में। तो ये 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होने के बाद पाकिस्तान टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप में। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तो जब तक के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।